नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्थ में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बाबा साहेब भीमराव बिहार यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पैट यानी कि प्री पीएचडी टेस्ट 2020 का एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है और साथ में आप लोग एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया पैट 2020 के लिए आज से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। आप लोगों को आगे हम बताएंगे किस तरह से आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। उससे पहले आप लोगों को जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में आप लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं बिहार विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली 2020 के लिए जो आप लोग का एडमिट कार्ड है वो शुक्रवार यानी कि आज से आप लोग को वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकेंगे। और साथ में यह दिया गया कि पैट 2020 के नोडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार आप लोग का पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि बिहार विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार नेट पैटर्न पर लागू किया गया है, यानी कि आप लोगों का पीएटी पैट जो पैट 2020 का एग्जामिनेशन जो होने वाली है, आप लोग को नेट की जो एग्ज़ाम होती है उसकी पैटर्न के आधारित आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेट की पैटर्न जो होती है उसी पैटर्न पर आप लोगों का पैट का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ताकि इसकी तैयारी का लाभ नेट की परीक्षा में भी मिल सके। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर नेट की पैटर्न पर लिया जाएगा एग्ज़ाम तो जो नेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनको भी लाभ मिल सकेगा। वहीं यहाँ पर दिया गया वहीं जो विद्यार्थी पूर्व में नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रश्नों को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि यहाँ कहा गया कि नेट के पैटर्न पर लिया जाएगा एग्ज़ाम और नेट के सिलेबस से ही लिया जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को जो एग्ज़ाम जो भी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस जो प्रश्न है उसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों पेपर में 100-100 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आप लोग बता दें कि दो पेपर का एग्ज़ाम होगा जिसमें प्रत्येक पेपर का 100-100 अंक का आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यहाँ पर दिया गया है कि दोनों पेपर में न्यूनतम 50 अंक लाने होंगे, यानी कि आप लोगों को 50-50 अंक दोनों पेपर में लाने होंगे। 100-100 अंक के दोनों वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 100-100 अंक के क्वेश्चन हैं, यानी 100 एक पेपर 100 अंक का है, दूसरा पेपर 100 अंक का है, जिसमें 50-50 अंक दोनों में लाने होंगे। वहीं दिया गया है कि दोनों पेपर में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि वहाँ पर दिया गया है कि दोनों पेपर में आप लोगों को अलग अलग उत्तीर्ण, यानी कि एक में अगर पास हो जाते हैं और दूसरा पेपर में फेल हो जाते हैं तो आप लोग फेल घोषित होंगे। और आप लोगों को बता दें कि दोनों पेपर में आप लोगों को पास होना अति आवश्यक है, नहीं तो आप लोग फेल हो जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ दिया, हालांकि दूसरे पेपर के अंकों का के आधार पर ही स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा, यानी कि दूसरे जो पेपर हैं सेकेंड पेपर 100 अंक का, उसके पेपर के आधार पर ही आप लोगों को जो स्कोर कार्ड है उसे तैयार किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों में आप लोगों को पास होना अति आवश्यक है। और इसकी जो एग्जामिनेशन है 25 अगस्त को होने वाली है, 25 अगस्त को। उसके बाद फिर यहाँ दिया गया है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगी। यहाँ देख सकते हैं परीक्षा भवन, LLS कॉलेज, RBS कॉलेज, RDS कॉलेज, NIT, NNT कॉलेज, SMDDM कॉलेज में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन सभी कॉलेजों में आप लोग परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं बात करें आप लोगों को टोटल सीटों के बारे में, टोटल सीटें जो हैं 1414 सीटें हैं। वहीं बात करें कितने परीक्षार्थी इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं, 3990 परीक्षार्थी आवेदन किए हैं इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अब चलते हैं, आप लोग बताते हैं कि आप लोगों को आप लोग किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग बता दें कि आप लोग परीक्षा से 2 घंटा पूर्व आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 2 घंटा पहले परीक्षा से 2 घंटा पहले आप लोग भी 2 घंटे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, क्योंकि आप लोग परीक्षा अगर 10 बजे से अगर है तो आप 8 बजे तक आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं 9 अगर 1 घंटा बच रहा है तो आप लोग फिर नहीं डाउनलोड कर सकेंगे, यानी कि आप लोग 2 घंटा पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए हम बताते हैं किस तरह से आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ का डायरेक्ट लिंक आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पैट 2020 एडमिट कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप लोगों को सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ दे देना है। उसके बाद फिर नीचे पासवर्ड आप लोगों का जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद आप लोगों को नीचे देखिए लॉगिन का एक ऑप्शन है, लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को करना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है और साथ में उसका जो लिंक है, आप लोगों को दोनों लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और कमेंट करके
बताइए कैसा वीडियो लगा, साथ ही इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।